और मेरे भाई लोग कैसे हो आप सब, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, क्या कभी आपने सोच कर देखा है कि बाइक के अंदर भी कभी सीएनजी गैस को लगाया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं ना, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी भी कोई ऐसी बाइक नहीं बनी जिसके अंदर सीएनजी गैस का यूज किया गया हो। पर यहाँ अपनी इंडिया की बजाज यानी कि हमारी प्यारी बजाज अपनी बाइक के अंदर सीएनजी गैस का यूज करने वाली है। जरा सोच कर देखो गाइस, अब हमें मिलने वाली है बाइक के अंदर सीएनजी गैस। वो देखो, जहाँ पर अदर कंपनीज अपनी बाइक को इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की सोच रही थी, वहाँ पर ही दूसरी तरफ अपनी बजाज अपनी बाइक के अंदर सीएनजी गैस लाने की सोच रही थी। तो चलो फिर आज की छोटे से वीडियो के अंदर जानते हैं कि आखिर बजाज अपने बाइक के अंदर सीएनजी गैस दे देता है तो फिर बाइक की माइलेज कितनी बढ़ेगी, या फिर बाइक के प्राइस में थोड़ा सा उतार या चढ़ाव होगा। बहुत ही छोटे से वीडियो है तो फिर आप लोग पूरा देखना और हो सके तो आपके बाइक के चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट भी कर देना। वो देखो, जो सीएनजी गैस की टैंक रहने वाली है वो रहने वाली है अपने इंजन की जगह पर। तो जैसा की आप इस वाली इमेज में क्लियरली देख सकते हैं कि बजाज अपनी सीएनजी गैस अपने प्लेटिना और सिटी 100 जैसे कमिटर बाइक्स में ही लाने वाले हैं। वैसे तो इन वाली बाइक्स की प्राइस भी काफी सस्ती है और सीएनजी गैस आने की वजह से इस बाइक की प्राइस और भी काफी कम हो जाएगी। अब बात करते हैं माइलेज की। देखो, अभी के टाइम पे जो प्लेटिना आती है वो आराम से 70 से 80 केएमपीएल का माइलेज आपको आसानी से दे देती है। और अगर बजाज अपनी प्लेटिना के अंदर सीएनजी गैस दे देता है तो फिर बाइक की माइलेज तो 100 के पार चली जाएगी। क्योंकि ये वाली बाइक आपको आराम से 100 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज भी आसानी से दे देगी। वो देखो, बजाज अपनी जिस बाइक के अंदर सीएनजी गैस को लाने वाला है वो बाइक फिलहाल तो अभी टेस्टिंग पर है। देखो, अभी के टाइम पे तो मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आखिर ये वाली बाइक कौन सी रहेगी, पर हाँ ये बात मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ कि बजाज अपनी बाइक के अंदर सीएनजी गैस लाने वाला है। यार, ये बस छोटे से लिक्स थी जो कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी। खैर, अगर आप बाइक से रिलेटेड जाने में और भी इंटरेस्टेड हो तो यार मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो।